भी यात्री हैं, तीर्थ यात्री हैं, उनको भगवान राम की इस नगरी की अद्भुत झलक दिखाई देगी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज पीएम मोदी अयोध्या गए, उन्होंने अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन को और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दोनों को देश के नाम समर्पित किया। अब जो है, जब से ये अयोध्या मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, चलिए कोर्ट के फैसले से, लेकिन कोर्ट ने फैसला जैसे दिया उसको फॉलो करते हुए ट्रस्ट बनाया गवर्नमेंट ने, और वो ट्रस्ट जो है मंदिर निर्माण करवा रहा है। अब अपोजिशन का बिलाप शुरू हो गया है कि भाई इसमें पॉलिटिक्स क्यों ले आ रहे हैं, कौन पॉलिटिक्स ले आ रहे हैं, क्या एक प्रधानमंत्री इंसान नहीं होता है, उसका उसके दिल में कुछ अरमान नहीं होते हैं, वो अगर उनका झुकाव है कि मंदिर बढ़िया से बनना चाहिए, तो उसमें अपोजिशन वालों क्यों इतना रुदाली मचाए हुए हैं, क्यों रो रहे हैं, क्यों बिलाप कर रहे हैं। और अपोजिशन नेताओं के साथ साथ कुछ हमारे ये मीडिया रिपोर्टर अपने को जो बड़ा पत्रकार समझते हैं, जो सत्य हिंदी चैनल पे आते हैं बकबक करने के लिए, वो भी बड़े रो रहे हैं। हमको तो डर लगता है कि कहीं जिस तरह से वो लोग दुखी हैं, बीजेपी का ग्राफ जितना बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ, उसके कारण जिस तरह से ये सत्य हिंदी चैनल पे जो पत्रकार आते हैं, पुराने पुराने घिसे पिटे सब जो है, उनको कहीं इतना दिल में दर्द ना होने लगे कि हार्ट अटैक ना आ जाए उनको, क्योंकि इनको ये समझ नहीं आता कि कोई गवर्नमेंट 100 करोड़ लोगों के अरमानों को, कुछ उनके जो खुशियों को ले आने की कोशिश कर रही है, तो तुम लोग इतना दुखी हो रहे हो। जब जो अपोजिशन के प्रधानमंत्री जब बनते थे, जाली टोपी लगा करके ईद उल फितर में बुलाते थे तमाम मुस्लिम लोगों को, वो सब तुमको बड़ा अच्छा लगता था। मतलब 100 करोड़ लोगों के खुशी के लिए अगर कोई कुछ करता है, वो तुम्हारे लिए बड़ी दिक्कत है। क्यों न करें भाई, मोदी जी को आखिर लोगों ने किस लिए वोट दिया है? इसलिए वोट दिया है ना कि वो जनता की खुशी के लिए काम करें। और तुम लोग जो है, सारी देश के सब लोग जानते हैं, महंगाई बेरोजगारी से बकवास जो करते रहते हो ना, 60 साल तो आप लोगों ने शासन किया है भाई, अपोजिशन के लोगों ने, उन्होंने क्या दे दिया देश को? और आप जरा मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे, तब से लेकर के हर चीजों का रेट, और जब उन्होंने गद्दी छोड़ा है तब हर चीजों का रेट देख लीजिएगा, कितना महंगाई करके गए थे वो तो। और तुम लोग को बस कुछ नहीं कर सकते भाई, गवर्नमेंट इतनी अच्छा काम कर रही है वर्ल्ड लेवल पे, किसी से नहीं सुनती, किसी के, मोदी किसी के नहीं सुनते हैं, मोदी सिर्फ इंडिया के, भारत की भलाई के बारे में बस देखते हैं, किसी से भारत का भला होगा बस वही सुनते हैं वो, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी हो, कुछ भी बोलता रहे, तो हमारे पीएम नहीं सुनते उनकी बात, और जो देश के हित में वही काम वो करते हैं। तो जिस तरह से ये राम मंदिर के कारण बीजेपी का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, अपोजिशन के लीडरों में तो समझ ही नहीं आ रहा उनको क्या काम, क्या करें हम जो है। कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, अरे भाई ईवीएम जब से चल रहा है, मोदी जी की सरकारें स्टेट में हारी भी हैं उसी ईवीएम से, ऐसा नहीं कि नहीं है, जब तुम जीतते हो तो अपोजिशन के लोग जीतते हैं तो ईवीएम बड़ा अच्छा रहता है। ये अपोजिशन को समझ नहीं आ रहा है कि ये सिर्फ मुस्लिम वोट को लेने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। अभी कांग्रेसी डिसाइड कर रहे हैं कि हम जाएं कि मत जाएं, वहां पे 22 तारीख को, जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन, मत जाओ ना, तुमको कौन बोल रहा है? सोनिया गांधी तो वैसे ही हिंदू नहीं है, राहुल गांधी जब सोमनाथ मंदिर में गए थे तो वो जो नॉन हिंदू विजिटर का रजिस्टर होता है उसमें उन्होंने अपना नाम लिखा था, ये जनेऊ पहन लेने से थोड़ी कोई हिंदू हो जाता है। तो आप अपोजिशन के नेताओं से बोल रहे हैं, हिंदुओं की भावनाओं से खेलना बंद करो, नहीं जो कुछ अभी नाम बचा है ना वो भी सब खत्म हो जाएगा भाई आप लोग का। ये चाहे अखिलेश यादव हो, लालू यादव है, अभी तो कुछ लोग जात पात के नाम पे थोड़ा इधर उधर भटक जाते हैं, नहीं तो कुछ दिन आएगा उसके बाद नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा आप लोग।
और सोचिए कि अगर साउथ में बीजेपी अगर थोड़ा और आगे बढ़ गई तो क्या असर होगा भाई अपोजिशन का। तो ये मोदी और योगी ने मिलके सनातनियों का जो मान बढ़ाया है वो हमें सल्यूट करने लायक है, और अपोजिशन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये जो इनके पत्रकार जो सत्य हिंदी पे आते हैं ना, जिसको हार्ट अटैक ना हो जाए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, डर लगता है, इतना ज्यादा वो दुखी हैं कि इनको इनको कोई भी पार्टी, हिंदुओं की बात करे तो इनको बड़ा बड़ी प्रॉब्लम है। और मजे की बात क्या है कि इस सत्य हिंदी चैनल पर जो आते हैं सारे ऑलमोस्ट बड़ी जात के लोग हैं। पता नहीं किस तरह के माइंड सेट है इनका, क्या किसने इन लोग को पत्रकार बनाया है। या आशुतोष गुप्ता भी एक नंबर का बकवास करता है, उसको उसको बड़ी दिक्कत है सनातन राम से, वो दुनिया भर की बकवास करता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा, इन जो राम विरोधी जितने लोग हैं उनको एकदम बायकॉट कर दीजिए, किसी लायक नहीं है लोग देश में रहने। और सियावर रामचंद्र की जय है, रहेगा, और अभी देखिएगा काशी और मथुरा भी आएगा लाइन में। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी मैं कुछ फोटो दिखाता हूँ आपको साथ में, कि कौन कौन से हैं जो बकबक करते रहते हैं सत्य हिंदी पर बैठ करके। सब एंटी हिंदू, एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, यही सब बकवास करते हैं। फ्रेंड्स नमस्कार, प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल, शेयर, कमेंट, थैंक यू वेरी मच। जिनके पास वापसी का भी टिकट नहीं था वो देश छोड़ के जा रहे हैं। और फिर चौथा क्या, बीजेपी जीतेगी जी, बहुमत पा पाएगी कि नहीं, ये पा पाएगी किसी भी पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नेताओं के लिए इस तरह का फैसला करके यात्रा चल रही है, जैसे वो शिला वाली यात्राएं चलती थी और चंदा इकट्ठा किया जाता था, उसी पैटर्न पे सब कुछ काम चल रहा है। और उसके साथ साथ में ये विकसित भारत संकल्प एक यात्रा चल रही है, जिसके अंदर मतलब मेरे पास में इतने सारी एक किस्म एक शिकायतें आई कि पूरा का पूरा अमला जो है कोई सरकारी काम नहीं कर रहा, उसी सरकारी यात्रा के अंदर लगा हुआ है, मतलब